मैं मुदस्सिर एजाज आरिफ, आप देख रहे हैं hindraj.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विकारुल मुल्क में। आज हमारे साथ हैं एएमयू पूर्व छात्र मुदब्बिर अली चौधरी। इनसे हम पहले भी अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमारा मौजू है, जैसे पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है, कभी जिन्ना के फोटो के विवाद में लाकर तो कभी अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। आज हम जानेंगे मुदब्बिर अली चौधरी से, अभी जो हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जो जिस तरह का बवाल हुआ रिपब्लिक टीवी की वजह से, और भी जो है इसमें एक पॉलिटिकल बाहर की पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, इन सब के पीछे का असली रीज़न क्या था और उसको सीनियर छात्र नेता की बाहसियत कैसे देखते हैं। तो मुदब्बिर अली चौधरी, हम आपसे जानेंगे ये कि जो अभी ये बवाल हुआ है और जो आज से 1 साल पहले हुआ था, तो दोनों बवाल में कुछ सिमिलर देखने को मिलता है या आप इसको किस नज़र से? भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही रंग का इसमें इन्वॉल्व रहा है और वो रंग है भगवा। सब जानते हैं इस बात को। जो जिन्ना वाला मैटर हुआ था, वो मसला जिन्ना की तस्वीर को निकालना नहीं था, बल्कि अलीगढ़ के जो एमपी है मौजूदा, उनका मकसद था कि बीजेपी में वो और मजबूती के साथ ठहर सकें। लेकिन वो गलती है उनकी। वो इंशाल्लाह आप देखिएगा, उन्हें टिकट भी नहीं होना, जिस तरह से उन्होंने गंदी सियासत की थी कि उन्हें टिकट होगा तो वो नहीं होने वाला उन्हें। और वो यूनिवर्सिटी के ऊपर लगातार हमला करते रहे हैं, कर रहे हैं, कभी खुद करवाते हैं, कभी अंदर ही के कुछ लोगों को तैयार करते हैं कि आप लोग बवाल करें, इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करें। और मैं पूछता हूँ आपके इसी प्लेटफॉर्म से पूछता हूँ, सतीश गौतम साहब ज़रा लिस्ट दें कि उन्होंने कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज नए बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितनी नालियाँ बनाई। मैं यहाँ तक भी सवाल करूँगा, कितनी नालियाँ बनाई, स्कूल तो बाद में बनाएंगे, वो नालियों का ही हिसाब दे दें, नहीं उनके पास। अच्छा, रही बात आपकी कि ये मुद्दा कहाँ से उठा और क्यों उठा, इसमें मैं समझूंगा कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक हमारी यूनियन से हुई है। और ये गलतियाँ हो जाती हैं, कोई वो नहीं है, ये उन्होंने जान के नहीं किया, ये उनसे ये गलती हुई है। और ये गलती ये हुई है कि वो मुस्लिम फ्रंट बनाने जा रहे थे, और मुस्लिम फ्रंट आप देखें कि 1 महीने बाद इलेक्शन है, तो मुस्लिम फ्रंट बनाकर हम क्या करते, इससे कुछ नहीं हो सकता। हमें किसी मुस्लिम फ्रंट की किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। यूनियन खुद अपने आप में इतनी मजबूत चेहरा है मुसलमानों का कि वो अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म से बात रख सकती है। ये मुस्लिम फ्रंट ना बना करके एक एमपी सिंपोजियम बुलाते, उसमें तमाम एमपीज़ को बुलाते, मुस्लिम एमपीज़ को बुलाते हर पार्टी के, और एक लिस्ट तैयार करते कि साहब मुसलमानों की ये शर्तें, जिसमें कम्युनल वायलेंस बिल है, रिजर्वेशन है, और कोई एक ऐसा मुस्लिम एक्ट जिसमें जैसे SC ST एक्ट होता उस तरह से, साहब मुसलमानों को देशद्रोह का झूठा नाम ले दिया जाता है, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे है कौन ये पूछने वाले कि आप देशभक्त हैं कि नहीं हैं, है कौन लोग ये? तो इसलिए मैं समझता हूँ ये मुस्लिम फ्रंट बना करके उन्हें इस तरह का सिंपोजियम करना चाहिए था, और वो रिजल्ट देख भी लिए। देखिए, जब ये 3 झूठों पर ये चीज़ चली, पहला झूठ के ओवैसी साहब आ रहे हैं, झूठ के पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे लगे, 3 झूठ बोले गए, और 3 झूठ की वजह से एक हंगामा सड़कों पर, 56 लड़कों के ऊपर मुकदमे कर दिए गए, लोग स्टूडेंट्स को पीटा गया, और वो झूठ बोल रहा है बाहरी लोग के उन पर हमला हुआ है, और अभी तक कोई कार्रवाई तक की नहीं हुई। जिस दिन ये हमला, ये सारी चीज़ें हुई हैं, उस दिन 10 पार्टीज़ के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद थे मुस्लिम पार्टीज़ के, उन्होंने बाबे सैयद पर आकर स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो करने लायक थे ही नहीं। उनके पास कितने जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब तक कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, अरे स्टूडेंट यूनियन ने लड़ाई लड़ी है, हिंदुस्तान के अंदर हुकूमतें बनवाई हैं और गिराई हैं। ये आप 70s और 85 तक तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क़यादत पार्लियामेंट में ना बैठी। उसको डैमेज करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसको मैं चाहूँगा, मैं ये बल्कि मशवरा दूंगा स्टूडेंट यूनियन को कि वो इस चीज़ को समझें, अभी वक्त है और इस पर काम करने की ज़रूरत है कि एक तैयार करें चीज़ों को, अपनी शर्तें तैयार करें और सेकुलर पार्टीज़ के सामने रखें कि वो अपने एजेंडे में उसको डालें। और जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, तो वो मैं नाम क्या लूँ, नाम ले कर क्यों किसी का, वो एक के दादा विधायक हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि मेरे दादा का शायद लास्ट वक्त है, जो भी है, और मैं उस चीज़ को संभाल लूँ। तो वो इतनी गंदगी पर आ गए कि उसने इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ मुसलमानों के नाम से पहचाना,
उन्होंने सिर्फ ये देखा ये सर सैयद की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने देखा ये मजाज की है, मोहसिन मुल्क की, वकारुल मुल्क की है। उन्होंने कभी इस पे गौर करने की कोशिश नहीं की ये राजा महेंद्र प्रताप की भी महबूबा है। उन्होंने इस पे भी गौर करने की कोशिश नहीं की कि ये राजा जयकिशन के ख्वाबों की ताबीर है। उन्होंने ज़मीन दी इस यूनिवर्सिटी के लिए, और ये इन्होंने कभी इस बात की नहीं सोचा कि लाला अमरनाथ यहाँ से निकले, ध्यानचंद यहाँ से निकले, अनुभव सिन्हा यहाँ से निकले, जो आज भी इस यूनिवर्सिटी के लिए इसकी तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि यूनिवर्सिटी जब वो यहाँ आए थे तो उनसे भी ये कहा गया था तुम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जा रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ उल्टा पाया, यहाँ तो एक हिंदुस्तान बसता है छोटा। उन्होंने इसको तंग नज़री से देखा है। तो उनसे उन साहबजादे से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को सही करें, ये हिंदू मुस्लिम में ना देखें। अगर हिंदू मुस्लिम में भी देखना इन चेहरों की तरफ भी तो देखो। क्या पावर का गलत इस्तेमाल करके एक दीवार खड़ी की जा रही है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे तालिबे इल्म के बीच में? बिल्कुल की जा रही है। वो खुद तालिबे इल्म है, इस चीज़ को भूल गए। उन्होंने अपने आप को इस यूनिवर्सिटी से बाहर रख कर देखा है, समझे? ये तंग नज़री है उनकी, और गलत बात है कि आप स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमे लगवा दे रहे हैं। अगर आपके दादा विधायक हैं और आप बीजेपी में, ये ऐसे होता है, ऐसे राजनीति करेंगे? अरे आपके दादा के बारे में तो मशहूर था, एक सेकुलर आदमी है, एकदम से भगवा निकले, ये होगा? गलत बात है। और मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे जो स्टूडेंट्स मौजूदा वो भी बड़े सब्र से काम लें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मोदी यहाँ से जाने वाले हैं, और ये काम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी करेगी इंशाल्लाह। और स्टूडेंट यूनियन को जाना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के इलाकों में घूम जाए और इस भगवा आतंकवाद के पीछे इनके असली जो चेहरा नकाब तो मेंबर है सतीश गौतम, अलीगढ़ के सांसद भी है। जिस तरह से वो सवाल उठाते, क्या आप लोगों ने सवाल किया है कि आप एज ए कोर्ट मेंबर यूनिवर्सिटी के लिए आपने क्या बेनिफिट्स पहुंचाए हैं? मैं तो ये समझता हूँ ये सतीश गौतम साहब की शायद खुशकिस्मती होगी, मगर हमारी बदनसीबी कि वो हमारे कोर्ट मेंबर हैं। एक ऐसा आदमी वो क्या सवाल उठाएगा? वो सिर्फ भगवा भगवा कर सकते हैं। इस सवाल तो वो करेगा ना जिसे पता हो, और पता भी होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें राजनीति ही नफरत की करनी है, राजनीति नफरत की करनी है। अरे अगर आपको जिन्ना की तस्वीर से प्रॉब्लम थी तो आप MP थे, उठा देना पार्लियामेंट, बोलते कोर्ट के अंदर रखते ना सवाल, कानून लाते निकाल के, फिर पार्लियामेंट से भी निकालनी पड़ती, कहाँ कहाँ से निकालेंगे? गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही की जा रही है। इनकी कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ झूठ है। क्या ये नहीं देखा उन्होंने? ये भी देखना चाहिए था कि इस यूनिवर्सिटी के इस पूरा मूवमेंट को, जो दूसरा वाला भी फिलहाल हुआ है, निशान भारद्वाज ने लीड किया है, इसको नहीं देखा? एक कैबिनेट को हमने सदर की हैसियत से उसके हाथ में सब कुछ संभाल दिया था कि निशान भारद्वाज आज इज्जत तुम्हारे हाथ में, और उसने इज्जत को रखा, ये नजर नहीं आया? उन्हें नजर आ रहा था कि सलमान ही शायद प्रेसिडेंट है, नहीं, हमने प्रेसिडेंट जो है निशान भारद्वाज को माना। गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की आपकी तरफ से, ये जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये है, जैसे AMU पे आरोप लगता है पाकिस्तान प्रेम, जिन्ना प्रेम, आतंकवाद प्रेम, तो पुलवामा अटैक पर AMU के जैसे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि AMU छात्र संघ जो शहीद हुए बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे AMU के अंदर तो उसका खर्चा उठाएगी, ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सदर साहब ने शायद डर की वजह से कहा है, अलीगढ़ ने हमेशा खिदमत की है, ठीक है? वो ये ज़रूर सोच रहा हूँ कि ये शायद घबरा के ये बात कह रहा है, समझे? इसलिए उन्हें चाहिए कि अलीगढ़ की तारीख को पढ़ें। और क्या मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे वो कि आप उस मेहमान को यहाँ का इस्तकबाल किया जा रहा है सऊदी के किंग का, जो अभी पाकिस्तान होकर आए हैं, उन्हें खैरात देकर आए हैं, और खैरात आतंकवाद को बढ़ावे के लिए है, वो आप उसको बुला रहे हैं, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए, और इसको भी समझना चाहिए कि हिंदुज़्म और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है। ये आज हिंदुत्व करके हिंदू दो भाइयों को लड़वाना चाहते हैं। हिंदुत्व आया 1923 में। आज मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ आप किस प्लेटफॉर्म से, कि हिंदू भाई तय करे कि हज़ारों साल पुराने उस सभ्यता हिंदुज़्म को मानेंगे, समझे, या उस हिंदुत्व को मानेंगे जो 1923 में आया है, जो ऐसे शख्स ने दिया जिसका नाम सावरकर है, जो भगवान में भरोसा ही नहीं रखता, वो नास्तिक है। वो तय करे हमारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई, इसको नफरतों से बचाने की ज़रूरत है, और यही मौका है हमारे पास, हमारे पास वोट है, इंशाल्लाह हम इस मुल्क को बचा के रहेंगे। आप AMU के छात्र रहे हैं और आप छात्र नेता भी हैं और आप काफ़ी एक्टिव भी हैं, आप पीछे से सपोर्ट करते हैं आगे छात्रों पे और सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या कश्मीर के लड़कों के यहाँ पढ़ने के वजह से यूनिवर्सिटी सफ़र कर रही है, या इसलिए कि इसको कश्मीर के नाम पर सफ़र कराया जा रहा है? कश्मीर के नाम पर सफ़र कराया जा रहा है, वरना आज से नहीं, बहुत पहले से कश्मीरी यहाँ पढ़ रहे हैं।
कभी कोई बात नहीं हुई आज तक इस यूनिवर्सिटी के अंदर रहकर। किसी कश्मीरी स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया, अगर कोई गलती हुई भी हो या उसने कुछ किया भी हो तो यहाँ से बाहर जाने के बाद किया है। और अगर कोई स्टूडेंट करता है तो उसमें यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है ना। अगर मिसाल के तौर पर मैं मुसलमान हूँ और मैं किसी को कत्ल कर दूँ या शराब पीकर सड़कों पर घूमूँ तो मेरा इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता, या मेरा इस्लाम इससे ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा ना। ऐसी यूनिवर्सिटी कर के ऊपर इल्ज़ाम लगाना इस तरह का वो बेबुनियाद गलत बात है। तो क्या लगता है, एक प्रोपेगेंडा चल रही है यूनिवर्सिटी को फंसाने की, या ऐसा लग रहा है कि इन पूरे हिंदुस्तान में एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जो कि मुसलमानों के लिए भी और मजलूमों के लिए भी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, आवाज़ उठाती है और डायरेक्ट सरकार से सवाल करती है, इसलिए इससे किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल फंसाने की कोशिश की जा रही है। असल में ये जो RSS और BJP के लोग हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो चाहते हैं कि मुसलमान जाहिल रहें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है, अगर आप, मैं समझता हूँ अगर आप पीछे जाएं और सर सैयद की शख्सियत को बीच से निकालें और इस यूनिवर्सिटी को बीच से निकाल दें तो सोचें फिर मुसलमान का क्या हाल होगा। अगर आप उस ज़माने की लीडरशिप को देखेंगे पूरी अलीगढ़ ने दी है। उस ज़माने के मुस्लिम जो बिजनेसमैन मिलेंगे सब अलीगढ़ के पड़े हुए, गल्फ गए हुए सब अलीगढ़ के पड़े हुए। तो ये अलीगढ़ ने काम किया, वो जानते हैं कि अलीगढ़ प्रोडक्ट देता है, वो हर फील्ड में प्रोडक्ट दे रहा है। वो इसीलिए वो चाहते हैं, पूरा ज़माना चाहता है कि मुसलमान जाहिल रहे, ये उनकी पूरी प्लानिंग है। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, वरना आज तक कोई बात नहीं, कोई जीत नहीं। अनुभव सिन्हा जैसे लोग बार बार इस यूनिवर्सिटी की तारीफ करते हैं, मैं फिर निशांत भारद्वाज का नाम लूँगा, वो यूनिवर्सिटी के अंदर कैबिनेट जीत के आया है भाई, कोई ऐसी नहीं जीत के आया है, वोट नहीं, सभी मुस्लिम वोट स्टूडेंट्स ने जिताया है। तो ये झूठे इल्ज़ाम है, लगते रहते हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह की चीज़ें करके यूनिवर्सिटी को ख़तरे में डालना चाहते हैं, इनकी प्लानिंग है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मसला है, ठीक है, उसका जो चबूतरा था उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, और फिर 1949 में के एक नैयर DM थे उस ज़माने में, तो रात में मूर्तियाँ रखी गई और एक भीड़ आती है उस पर हमला करती है, और वो फिर के एक नैयर ये कहते हैं कि हम अगले जुमे को इसके ताले खुलवा देंगे, वो आज तक नहीं खुल सके। यही इस कैंपस में करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर भी कोई भीड़ लाकर कोई हंगामा करके ताले लग जाए और फिर हमसे कोई वादा किया जाए कि 10 तारीख को हम खोल देंगे, नहीं खोलेंगे, बर्बाद कर देंगे। यही मुझे खतरा अब इस पर लगता है कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर 56 लड़कों पर केस हुए हैं उसमें ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए, क्योंकि एक कानूनी तरीका है चीज़ को ख़त्म करने का, वो जब तक नहीं होगा जब तक मैं डरता रहूँगा कि मेरी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर ये जो मुकदमे हैं ये कैसे हटेंगे, और इस पे स्टूडेंट्स की लीडरशिप को लगना होगा, इसमें बिल्कुल भी इसको ढीला ना छोड़ें, इसमें बहुत सख्ती के साथ लगना होगा, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ये केस ख़त्म कराने की ज़रूरत है। और एक अभी एक रास्ता हमारे पास कानूनी और बचा है, जो स्टूडेंट यूनियन से एक जो है मैं समझता हूँ गलती हुई है या चूक हुई है जो भी है, जिसके लिए मैंने आपको 7 दिन पहले कहा था कि आप इसमें 56-3 डालिए, कोर्ट अगर पुलिस नहीं सुनती कोर्ट तो सुनती है ना, कोर्ट के थ्रू उनके ऊपर एक केस करने चाहिए, ज़रूरी है। हमारी तरफ से कुछ नहीं, हमारे ही लड़के पिटे, हमारे ही लड़कों पे FIR, और इसी इस यूनिवर्सिटी के नुकसान, इस यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है, इतनी नफरत हमसे। अगर आप यहाँ की तारीख उठा के देखें तो एक पूरी लिस्ट हिंदुस्तान की आज़ादी तबाह करवाना चाहते हैं। आखिरी सवाल ये है आपसे, कंक्लूड किया जाए अगर इस चीज़ को, तो एक सर सैयद अहमद ख़ान साहब की एक बात थी, आइडियोलॉजी थी कि अलीगढ़ की तहरीक अलीगढ़ में ना रुके, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलनी चाहिए ताकि हम बता सकें कि अलीगढ़ की तहरीक क्या है। तो आपको लगता है कि अलीगढ़ की तहरीक कैंपस के चार दीवारी में रुक गई है, और इसके पीछे का वजह क्या रहा है? देखिए, अलीगढ़ की तहरीक ये सच है कैंपस के चार दीवारी में ही रुक गई है, फैली थी, जो लोग जिन लोगों ने किया वो किया, लेकिन अब जो है वो अंदर ही रुक जा रही है। जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो जीत रहा है, जो हार रहा है, वो सब आपको यहीं नज़र आएंगे। वो आज अपने अपॉइंटमेंट पे लग गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान इस यूनिवर्सिटी का हो रहा है। जिनको पूरे हिंदुस्तान में फैल जाना था वो आज यहाँ पर अपनी रोटी और उसके चक्कर में नौकरी, यहाँ लग जाए तो मेरा घर बस जाए, इस वजह से इस यूनिवर्सिटी में लगे नहीं टिके रहना चाहते, जीतने के बाद भी हारने के बाद भी यही चल रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान इसका अलीगढ़ मूवमेंट को फैलने से जो रोकने का हुआ है वो इलाकाइयत से हुआ है। अगर इलाकाइयत इस कैंपस में ना होती तो यकीनन सर सैयद का ख्वाब पूरा हो चुका होता। इलाकाइयत ही की वजह है कि जो वो मूवमेंट जिसे हिंदुस्तान के हर घर में दाखिल हो जाना था वो कठपुतली भी तक भी नहीं जा सका, इसी के बीच में दम तोड़ गया।
आज हमारे आसपास के इलाकों में देख लिया हमने, जमालपुर में क्यों कोई इस तरह की रोशनी नज़र नहीं आती। यही वजह है, सब कुछ यहीं ठहरता चला जा रहा है, यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स जो लीडरशिप में कैंपस की सियासत में हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा और मैं उनसे अपील करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि भाई आगे बढ़ो, आप लोगों को आगे जाना पड़ेगा। हम भी इस कैंपस को छोड़ के गए हैं, हम भी यहाँ ठहर सकते थे, हम लेकिन जब भी इस यूनिवर्सिटी पे ख़तरा नज़र आता है हम बार बार यहाँ भाग के आते हैं। हम बाहर निकले हैं, बाहर हम केस लड़ रहे हैं, इस कौम के लिए लड़ रहे हैं। अतरौली की बात हुई तो चौधरी एडवोकेट्स ने ही उसकी पूरी ड्राफ्टिंग की है, और लाल मस्जिद के लिए भी हमारे एडवोकेट्स खड़े हुए हैं। तो जब हम एक अपने पास एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो हम चीज़ों को कर सकते हैं। जूनियर्स के लिए क्या आप देना चाहेंगे? जूनियर्स के सुझाव, जूनियर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दें बाहर के मुसलमानों की, आज अलीगढ़ ने आपके मुसलमानों को इतना मजबूत कर दिया है, जो आपकी लीडरशिप है जो भी है वो कर लेंगे सब कुछ, आप टेंशन ना लें। बस अगर आपको टेंशन है मुसलमानों की तो आप पढ़ाई कीजिए, किसी कमज़ोर को और पढ़ाइए, समझे। आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेका ना लें, आप किसी गरीब बच्चे की फ़ीस जमा कर दें, किसी का डाइनिंग कटवा दें, यही काफ़ी है। और अगर आप इससे बढ़ के करना चाहते हैं, मैं यूनियन के लिए कहना चाहता हूँ, फिर कहूँगा कि आप मुस्लिम फ्रंट वगैरह इसके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये वक्त नहीं, बहुत वक्त बहुत कम है हमारे पास। इस कम वक्त में हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इसमें आप और सीनियर से मिलें, और एक्सपर्ट से मिलें, और एक कोई बड़ा प्रोग्राम रखें जिसमें मुस्लिम MPs को बुलाइए, हर सेकुलर पार्टी के MP को बुलाइए, और अपनी बात उनके सामने रखिए कि मुसलमानों को ये चाहिए, ये अलीगढ़ का मतालबा है। ये थे हमारे साथ मुदब्बिर अली चौधरी, जिन्होंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लास्ट 2-3 सालों से के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ एक हाल हुआ, जो आप लोगों ने देखा कि 1992 में संविधान के रहते एक संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, कहीं ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ ना हो। सिर्फ वजह यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सरकार से जमीनी लेवल का सवाल करता है, आँख में आँख मिलाकर पूछता है कि आखिर आप लोगों ने छात्रों के लिए क्या किया, और गरीब जो जनता से आप लोगों ने वादा किया था वो वादे पे आप कितना खरे उतरे। और यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को प्रोपेगेंडा के तहत ये सारी चीज़ की जा रही है, ऐसा कहना है हमारे छात्र नेता मुदब्बिर अली चौधरी का। देखते रहिए हिंदास.com, खबर वही जो हो सही।